टारगेट भी डालोग के ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से मैं पंडित अमरेश भट्ट आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको संस्था के द्वारा यह विदित है कि हम लोग सीटेट का निःशुल्क बैच प्रारंभ कर रहे हैं। उस बैच को प्रारंभ किया जा चुका है। इसमें हमारा जो रोल होगा वह हिंदी के सेगमेंट को लेकर के होगा। इसमें आपको करना क्या है, एक छोटा सा आपको भी भागीदारी करनी है, वो भागीदारी निःशुल्क होगी। और इसमें आपको अपने नंबर से, यानी कि आपको लिखना क्या है, सी टेट इंट्री लिखना है और इस नंबर पर 9335596136 पर भेज देना है। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और पूरे बैच के बारे में आपको डिटेल से बताएगी। यह बैच पूर्णतः निःशुल्क है, हम लोगों के द्वारा, आप लोगों के द्वारा। यानी निःशुल्क का मतलब आप यह समझिए कि यह शिक्षा जो है, जो प्रदान किया जा रहा है, यानी ये निःशुल्क का अर्थ ये मत लगाइएगा, निःशुल्क का यहाँ इस संस्था के द्वारा जो दिया जा रहा है उसका अर्थ ये लगाइएगा कि इसमें जो हमारे पास होगा वह बेटर, बेटर से भी बेटर हम काम करेंगे, ताकि आपका ये जो बीच का पीरियड है वह बीच का पीरियड हमारे इस बैच से अत्यंत लाभान्वित हो। इस आधार पर हम लोगों ने इस बैच को प्रारंभ किया है। तो आपको करना क्या है, सिर्फ इसी को आपको एंट्री, सीटेट एंट्री लेकर के इन नंबरों पर भेज देना है। आइए अब हम जो है अपने विषय पर चलते हैं और अपने विषय में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चलते हैं जो बेहद ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है और जानकारी के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है। यानी दोनों के रूप में ये क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं और आज का हमने टॉपिक जो चूज किया है वह किया है संज्ञा। पहली चीज, संज्ञा का नाम लेते ही एक आपके दिमाग में इमेज बनना चाहिए। इमेज क्या बनना चाहिए कि संज्ञा का अर्थ क्या होता है, यानी पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि अर्थ क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन बनना चाहिए कि इसकी परिभाषा क्या होती है, परिभाषा क्या होती है। और तीसरा क्वेश्चन होना चाहिए कि इसके भेद कितने होते हैं या प्रकार कितने होते हैं, ये होना चाहिए। और किन शब्दों से मिलकर के यह बना होता है, तो हम एक एक करके इसको डिटेल से जानेंगे और हम उसी बिंदु पर बात करेंगे कि जहां से आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हो। इसमें ऐसा नहीं है कि अपनी विद्वता का हम प्रसार करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम मूल विषय पर बात करेंगे जहां से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हों और हमको सीधा सीधा उत्तर मिल जाए, यानी हम कर ले जाएं। तो आइए यहां देखिए, पहली चीज देखिए कि संज्ञा यह किन शब्दों से मिलकर के बना होता है, यानी इस पर हम बात करें तो यहां पर देखिए, संज्ञा जो है यह दो शब्द से मिलकर के बना होता है। एक का अर्थ होता, एक का जो विखंडन होता है यानी सम, और ज्ञा से मिलकर के यह क्या बना हुआ है, शब्द बना हुआ है। सम का अर्थ होता है सम्यक, आप जानते ही हैं, ऐसा नहीं है कि इसका अर्थ कुछ अलग होगा, सम्यक होगा या पूरा होगा या संपूर्ण होगा। ज्ञा का अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है। यानी अगर हम ओवरऑल इसका अर्थ बतावें तो हो जाएगा संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा, या सम्यक ज्ञान हो जाएगा, या पूरा ज्ञान हो जाएगा, ऐसा हम कह सकते हैं इसके अर्थ के बारे में। लेकिन इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, यानी संज्ञा का जो मूल अर्थ होता है
वह होता है नाम। संज्ञा मतलब क्या होता है? नाम। ये इसका मूल अर्थ होता है कि संज्ञा का अर्थ ही नाम होता है। यहां अगर हम नाम की बात करें तो आपके सामने संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं सभी क्या हैं? संज्ञा हैं। एक दिमाग में अपने दिमाग को संदेश दीजिए कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सभी संज्ञा हैं। यानी कि आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं वह भी संज्ञा है, आप उस पर पेन से लिख रहे हैं पेन भी संज्ञा है, आप जो रफ लिए हैं कागज लिए हैं वो भी संज्ञा है, कमरे में बैठे हैं वो भी संज्ञा है, लाइट भी संज्ञा है, हवा भी संज्ञा है, पानी भी संज्ञा है, पंखा भी संज्ञा है, जो आप देख रहे हैं जो आप महसूस कर रहे हैं सभी क्या हैं? संज्ञा हैं। यानी हम एक लाइन में कह सकते हैं कि संसार की सभी वस्तुएं क्या होती हैं? संज्ञा होती हैं। तो संसार की सभी वस्तुएं संज्ञा हैं, क्यों? क्योंकि सभी का नाम है। यानी हिंदी में जो है अगर हम कहें क्या नाम संज्ञा है, आपका नाम संज्ञा है, मेरा नाम संज्ञा है, तो जी हां यह नाम ही क्या है? संज्ञा है। अब ये जो नाम हुआ ना, ये नाम जो संज्ञा हुआ, इसी नाम को व्याकरण शास्त्र में जो है हम क्या नाम दे दिए? संज्ञा दे दिए। हम वहां पर व्याकरण में जब पढ़े तो व्याकरणों ने क्या किया, नाम को न देकर कहा यह नाम नहीं बल्कि क्या है? संज्ञा है, और इसको परिभाषित कर दिया। तो परिभाषित किया तो परिभाषाएं क्या होती है? एक सिस्टमेटिक बनाई जाती हैं। आपकी जानकारी के लिए मैंने बताया एवरीथिंग इज नाउन कह सकते हैं, सब कुछ क्या है? संज्ञा है। आप किसी व्यक्ति का नाम लेंगे, किसी वस्तु का नाम लेंगे, किसी स्थान का नाम लेंगे, तो किसी के दशा का वर्णन करेंगे, यानी जो भी आप करेंगे तो उसमें नाम आएगा, और नाम आएगा तो वह संज्ञा ही होगी। यानी किसी व्यक्ति स्थान भाव अथवा नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो यानी आप ये कह सकते हैं संज्ञा क्या हुआ? नाम हुआ। ठीक है, यहां परिभाषा आपको लगभग क्लियर हो गई होगी। आगे हम बढ़ते हैं इसके। अब ये परिभाषा हो गई तो अब ये संज्ञा को कितने आधारों पर विभाजित किया गया है जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कितने आधारों पर विभाजित किया गया है इसको हम दो आधार में विभाजित करते हैं। ठीक है, संज्ञा को हम क्या करते हैं? दो आधारों पर हम विभाजित करते हैं। यहां पर देखिए जो विभाजन हम करेंगे वह कौन कौन से विभाजन करेंगे। तो पहला आधार क्या है? संज्ञा के आधार। इसको दो आधार पर हम क्या करेंगे? विभाजित करेंगे। पहला आधार हम जो विभाजित करेंगे वह हिंदी के आधार पर विभाजित करेंगे, हिंदी के आधार पर। ठीक है, दूसरा जो हम आधार विभाजित करेंगे वह अंग्रेजी के आधार पर विभाजित करेंगे। ठीक, यानी हिंदी के आधार पर और अंग्रेजी के आधार पर हमने क्या कर दिया? विभाजन कर दिया। जो हिंदी का आधार है उसे हम व्याकरण में हमने कहा कि हिंदी को ही हमने व्युत्पत्ति के आधार पर कहा। किसके आधार पर? व्युत्पत्ति के आधार पर हमने संज्ञा कहा। तो यहां पर हिंदी के आधार को न करके, हिंदी न कह करके हमने कह दिया व्युत्पत्ति के आधार पर कितनी प्रकार की संज्ञाएं होती हैं, या इसी को हम कह दिए रचना के आधार पर कितनी प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। तो यहां पर रचना के आधार पर भी हमने क्या कह दिया? संज्ञा की बात कर दी। तो हिंदी को ही व्युत्पत्ति के आधार पर कह सकते हैं, हिंदी को ही रचना के आधार पर भी कह सकते हैं। अब कितने प्रकार के होते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर? यह तो यह जो प्रकार होते हैं यह तीन प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पूछा जाए, पहला ही क्वेश्चन पूछा जाएगा
रचना के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं? तो तीन। व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं? तीन। कौन कौन होती हैं? अभी बात करते हैं पहले, उसके बाद हम अंग्रेजी पर बात कर लेते हैं। अंग्रेजी के आधार पर संज्ञा को ही, यानी इसको हम अर्थ के आधार पर संज्ञा के नाम से जानते हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा, यानी इस रूप में भी हम क्या करते हैं, जानते हैं। अब अर्थ के आधार पर संज्ञा को हम कितने भागों में विभाजित करेंगे? पांच भागों में विभाजित कर देते हैं। यहां से आपको दो क्वेश्चंस मिल जाते हैं। पहला, रचना के आधार पर संज्ञा, तो तीन प्रकार के। अर्थ के आधार पर संज्ञा, तो पांच प्रकार की। अब ये कौन कौन सी संज्ञाएं हैं? रचना के आधार पर कौन है, या व्युत्पत्ति के आधार पर कौन है, और अर्थ के आधार पर कौन कौन सी संज्ञाएं होती हैं? तो यहां पर आप देखिए, यहां पर इसको हम विभाजित कर रहे हैं। पहला जो विभाजन हुआ, यानी पहला अगर हम प्रकार के हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक, आप नाम जानते हैं। दूसरी संज्ञा हुई जातिवाचक, जातिवाचक। तीसरी संज्ञा हुई भाववाचक। चौथी संज्ञा हुई द्रव्यवाचक। और पांचवी संज्ञा हुई समूहवाचक। पांचवी पांचवी संज्ञा हुई समूहवाचक, ठीक है। यानी यह पांच प्रकार की संज्ञाएं हुई। यहां थोड़ा सा हम इसको पहला यहां लिख देते हैं, एक ही पेज में आ जाएगा। यहां पर हमने लिख दिया व्यक्तिवाचक, ठीक है, व्यक्तिवाचक ऐसा हमने लिख। अब यहां पर ये देखिए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ये पांच प्रकार की क्या हुई, हमारी संज्ञाएं हुई। इस पांच प्रकार की संज्ञाओं में हम जो है कौन कौन से रचना के आधार पर होते हैं, तो पहला ही क्या है, व्यक्तिवाचक जो होता है यह रचना के आधार पर, जातिवाचक क्या होता है रचना के आधार पर, भाववाचक जो होता है यह रचना के आधार पर। तो यह तीन जो संज्ञाएं होती हैं, यह इसको रचना के आधार पर कह लीजिए, या आप इसको व्युत्पत्ति के आधार पर कह लीजिए, रचना के आधार पर कह लीजिए, या व्युत्पत्ति के आधार पर कह लीजिए, या हिंदी के आधार पर आप कह लीजिए। बाकी जो दो बचते हैं, उन दोनों को आप क्या करेंगे, यानी द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ये जो यहां पर शामिल होते हैं, यानी यह एक हो गए, दो हो गए, तीन हो गए। चौथा जो है द्रव्यवाचक होता है, और पांचवा जो है ये समूहवाचक होता है, ठीक है। ये जो दोनों हैं, यह किस आधार पर मिलते हैं, यानी यहां पर अगर हम इन पांच की बात करें, तो इन पांचों को हम किस में लेंगे, अर्थ के आधार पर हम कहेंगे। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा को कितने भागों में, पांच भागों में विभाजित किया गया, और रचना के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया जाता है। तो अमूमन क्या है कि सामान्यतः किताबें आपको क्या कह देती हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं, पांच प्रकार आपको आप बोल देते हैं, कोई बात नहीं है। यहां जब तक बाइफर्केट ना किया जाए, जब तक आपको यह ना पूछा जाए कि रचना के आधार पर, या व्युत्पत्ति के आधार पर, या अर्थ के आधार पर, तब तक आप नहीं करेंगे। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो आप पांच प्रकार लगाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है।
संज्ञा पांच प्रकार की होती है। अब रचना के आधार पर पूछा गया तो तीन प्रकार का, व्युत्पत्ति के आधार पर पूछा गया तो तीन प्रकार का, अर्थ के आधार पर पूछा गया तो पांच प्रकार का, या सामान्य रूप से पूछा गया कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है तो पांच प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। अब यहां पर जो है, अब व्यक्तिवाचक है तो कैसे हम जानेंगे कि यह व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक या भाववाचक या द्रव्यवाचक या समूहवाचक, हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सी संज्ञाएं हैं। हम आपसे पुनः कह दे रहे हैं कि हम उसी पॉइंट पर बात करेंगे जहां से आपको क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाता है और आपको आसानी से समझ में आ जाए। हम उस अपनी विद्वता को आपके ऊपर लागू नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उस पर बात किया जाए तो आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। बाकी अगर विद्वान बनना होगा तो अलग से आप कमेंट करिएगा, मैं अलग से आपको पूरी की पूरी पीडीएफ भी डाउनलोड करवाऊंगा और उसके बारे में बताऊंगा भी। तो यहां पर देखिए, हम एक एक करके देखते हैं कि व्यक्तिवाचक है तो व्यक्तिवाचक कैसे है। एक काम करते हैं कि इसको पूरे एक चार्ट में हम समझ लेते हैं और चार्ट में आसानी से एक दूसरे से तुलना भी हो जाएगी, तो आपको बातें जो हैं आसानी से समझ में भी आ जाएंगी। तो यहां पर हम लिख देते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखते हैं। आप इतना तो जान गए होंगे कि व्यक्ति है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा एक हो गया। दूसरा हम लिख देते हैं, जातिवाचक संज्ञा लिख देते हैं, जातिवाचक, ठीक है। तीसरी हम संज्ञा यहां पर लिख देते हैं, भाववाचक लिख देते हैं, भाववाचक। चलिए चौथी और पांचवी अभी लिखा जाएगा, पहले इसको देखा जाए। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो नाम क्या है, व्यक्ति है तो परिभाषा क्या हो, जिन संज्ञाओं से यानी जिन नामों से एक वस्तु या व्यक्ति स्थान का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक कहेंगे। व्यक्ति मतलब व्यक्तिगत और व्यक्तिगत मतलब एक होता है, यानी कोई ऐसा नाम लिया जाए जो एक का बोध कराता है, एक के बारे में जानकारी कराता है या एक की उपस्थिति के बारे में जानकारी कराता है तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक होगा। तो अगर मान लीजिए आपका कुछ नाम है तो क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा कि नहीं। अगर आपका नाम मान लीजिए अशोक है तो क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा। आपका नाम क्या है, मुकेश है तो क्या होगा, व्यक्तिवाचक। आपका नाम सोनू है तो क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा कि नहीं होगा। अब मान लीजिए कि पहली चीज, दूसरा यहां पर देखिए, अगर मान लीजिए आपका नाम है रेणु है, आपका नाम क्या है, प्रिया है, और आपका नाम क्या है, अमृता है, या जो कह लीजिए आपका नाम सबा है, जो कह लीजिए सब, अगर ये नाम कहते हैं तो यहां पर क्या होगा, एक का नाम है तो व्यक्तिवाचक होगा, सीधा सीधा है। अगर मान लीजिए कि हमने यहां पर यह कहा, हमने कमल लिखा, ठीक है, हमने क्या लिखा, गुलाब लिखा, गुलाब, हमने चमेली लिख दिया, चमेली लिख दिया, ठीक, हमने रात रानी लिख दिया, जो आप जानते हैं, इसको एक का, एक की जानकारी हो रही है तो क्या हो गया, व्यक्ति हो गया। यहां गुलाब है, ठीक, व्यक्तिवाचक। अगर हमने मान लीजिए रसगुल्ला लिखा, लिख सकते हैं, हमने क्या लिख दिया, हमने पेड़ा लिख दिया, हमने लड्डू लिख दिया,
हमने चमचम लिख दिया, जो आप जानिए हमने ऐसा लिख दिया, तो क्या हो गया? एक की बोध करता, एक का बोध कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। इसको तब तक यहां से हटा देते हैं। अगर मान लीजिए कि हमने यह लिखा, हमने गंगा लिखा, हमने गोदावरी लिखा, हमने नर्मदा लिखा, हमने ताप्ती लिखा, हमने महानदी लिखा, जो लिखा, एक का नाम लिए, तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक, एक का, एक की जानकारी हुई। हमने प्रयागराज लिखा, प्रयागराज। हमने चांदनी चौक लिखा, चांदनी चौक लिखा। एक बार पूछा गया है कि चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा होगी, हमने क्या लिखा? ममफोड़गंज लिखा, या हमने कटरा लिखा, जो आप लिख लीजिए। बैंक रोड लिख दीजिए, ताशकंद रोड लिख दीजिए, ताशकंद मार्ग लिख दीजिए, जो लिख दीजिए, ऐसा आपने लिखा। तो यहां पर क्या हो गया कि जो भी आप लिख रहे हैं वह एक के बारे में बता रहा है। अब एक के बारे में यहां बता रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पर अगर मान लीजिए कि जब हम एक लिख रहे हैं तो व्यक्तिवाचक के बारे में यह जानकारी हमको दे रहा है, तो व्यक्तिवाचक। अब मान लीजिए इस अशोक, मुकेश और सोनू, मोनू जो भी हैं, इनको हम यह न लिख करके हम लिखते हैं पुरुष लिखते हैं। हमने क्या लिखा? पुरुष लिखा। तो पुरुष लिखा तो यह क्या कर रहे हैं? पुरुष जाति का बोध कर रहे हैं, एक व्यक्ति का बोध नहीं कर रहे हैं। यानी जिन नामों से, जिन स्थानों से या जिन वस्तुओं से एक जाति के बारे में पता चलता है, एक जाति के बारे में जानकारी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी यहां पर क्या अब हम डाल देंगे? पहला व्यक्तिवाचक हो गया, दूसरा हम डाल देंगे जातिवाचक। ठीक है। यानी यह क्या हो गया? जातिवाचक के बारे में अब हम बात कर रहे हैं। तो पुरुष क्या है? इसकी जाति है, तो क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि मैंने लिखा रेणु, प्रिया, अमृता और शबा, जो भी आप कह लीजिए, हमने यहां यह नाम न लिख करके अगर हमने स्त्री लिख दिया, तो यह क्या है? स्त्री जाति का बोध हो रहा है। तो यानी यह जाति का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसलिए क्या हो गया? जातिवाचक हो गया। हमने कमल, गुलाब और चमेली न लिख करके हमने क्या लिखा? फूल लिखा। तो यह फूल क्या है? एक जाति को बोधित कर रहा है, एक जाति के बारे में ज्ञान दे रहा है, एक जाति के बारे में बता रहा है, तो इसलिए यहां क्या हो गया? फूल क्या हो गया? जातिवाचक हो गया। जबकि गुलाब क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया। हम रसगुल्ला, पेड़ा, लड्डू अगर न लिख करके हमने लिखा मीठा लिखा, ठीक है, तो मीठा यहां जो लिखा तो यह क्या हो गया? मिठाई, यानी मीठा। यह क्या हो गया? जाति का बोध कर रहा है, यानी यह क्या है? इस जात के हैं, मिठाई वाले जात के हैं। ठीक है। हम गंगा, गोदावरी, नर्मदा का नौ प्रयोग करके हमने क्या लिखा? नदी लिखा। तो नदी क्या हो गई? जातिवाचक हो गई। हमने प्रयागराज, चांदनी चौक, कटरा न लिख करके हमने क्या लिखा? किसी स्थान का नाम लिखा, यानी स्थान का नाम लिखा। मान लीजिए जैसे चांदनी चौक, कटरा आदि, ये क्या है? एक स्थान है। स्थान का अगर हमने नाम लिख दिया तभी भी क्या हो गए? ये जातिवाचक हो गए। कोई हमने लिखा, तो यहां पर जब हम किसी एक के बारे में वर्णन करते हैं तो उसे हम व्यक्तिवाचक, और जब उसकी जाति का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक के नाम से जानते हैं।
यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। आगे इसके हम चलते हैं। ऐसे जो भी आप कह लीजिए, आप महाभारत अगर लिखते हैं, रामायण लिखते हैं, कुरान लिखते हैं, बाइबिल लिखते हैं, तो ये क्या है? ये व्यक्तिवाचक है। लेकिन अगर हम ग्रंथ लिख दें तो क्या हो गया? जातिवाचक हो गया। तो जो भी आप करेंगे कि जब जाति का प्रतिनिधित्व करेगा, जब जाति के बारे में बताएगा तो उसे हम जातिवाचक, और एक के बारे में वो बताएगा तो उसे हम व्यक्तिवाचक कहेंगे। इसके बाद क्या आते हैं? जाति के बाद भाववाचक के बारे में आते हैं। भाववाचक, भाववाचक में क्या है? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी थी तैसी। भाव, भाववाचक संज्ञाओं में क्या होता है? महसूसीकरण होता है, यानी हम महसूस करते हैं। भाववाचक संज्ञाएं जो होती हैं, यह व्यक्तिकरण का माध्यम नहीं है। हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं, हम उसको चाह करके भी महसूस ही कर सकते हैं, चाह करके भी हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने मीठा खाया, तो मीठा खाया चाहे रसगुल्ला खाया, मिठास जो होगा वो मिठास को हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं कि कितना वह मीठा है। ये हम व्यक्त क्या कर सकते हैं? विशेषणों के माध्यम से, बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, तो हम विशेषण प्रविशेषण प्रविशेषण लगाते हुए क्या चले जाएंगे। लेकिन अगर ये कहा जाए अरे भाई कितना मीठा है, तो आप क्या कहेंगे? बहुत मीठा है। तो यानी बहुत मीठा है कि कोई अभी अगला अगर आता है कहता नहीं उससे भी जो तुम खाए उससे भी मीठा है, तो भाई कितना है हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं, कोई मानक नहीं है व्यक्तिकरण का। तो जिसको हम व्यक्त महसूसीकरण की प्रक्रिया हो, हम महसूस कर सकते हो, प्रत्यय लगे हो, तो वहां पर क्या हो जाते हैं? भाववाचक संज्ञा हो जाते हैं। मान लीजिए कि अगर मैंने जैसे मिठास लिख दिया, अगर मान लीजिए कि मैंने अगर किसी व्यक्ति को देखा, ऐसे जीर्ण शीर्ण व्यक्ति को देखा जो फटा चीथा कपड़ा पहना हुआ है, तो क्या होता है? गरीबी का भाव आता है। तो गरीबी का भाव है तो गरीबी के भाव को हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं, गरीबी के भाव को हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। बुढ़ापा है, कोई वृद्ध व्यक्ति है और वह जा रहा है, तो बुढ़ापा के भाव को हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ममत्व, माँ का ममता होता है, माँ का प्यार होता है, ममत्व हमको मिलता है, ममत्व को हम, ममत्व हम महसूस कर सकते हैं, उस प्यार को महसूस कर सकते हैं, उस लगाव को महसूस करते हैं। पितृत्व यानी पिता के जो लगाव है उसको हम महसूस कर सकते हैं, व्यक्तिकरण का कोई माध्यम नहीं है। हम जो भी है, महसूसीकरण की प्रक्रिया भाववाचक होती है, ममत्व होता है, अपनत्व होता है। तो अगर मान लीजिए लिखा है सजावट, लिखा है सजावट, लिखा है, अब सजावट कितना सजावट हुआ है, ये आप व्यक्तिकरण का कोई ऐसा माध्यम नहीं है। आप जाएंगे कहेंगे बहुत अच्छा सजावट है, बहुत अच्छा सजावट है, लेकिन उस सजावट को हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो व्यक्तिकरण का जो माध्यम है, जो हम व्यक्त कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं लेकिन व्यक्त नहीं कर सकते, भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। भाववाचक संज्ञाओं में क्या होता है? प्रत्ययों का योगदान होता है, यानी प्रत्यय लगा रहता है, लड़कपन हुआ, भाववाचक संज्ञाएं हुई। तो ये जो है भाववाचक संज्ञाएं क्या होती हैं? महसूसीकरण की प्रक्रिया होती है। यहां से भाववाचक संज्ञाएं, अब ये जो है इसके बाद चौथा आता है। चौथा क्या आता है? चौथा कहता है द्रव्यवाचक संज्ञाएं। द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा, आप पहली बात ये जानिए कि द्रव्यवाचक संज्ञा है कि द्रव्यवाचक संज्ञा है। ऑप्शन में कभी दिया जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन संज्ञा का भेद नहीं है, उसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक ऑप्शन बना सकता है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा का भेद नहीं है, बल्कि क्या है? द्रव्यवाचक है।
द्रव और द्रव्य में अंतर होता है। द्रव क्या होते हैं? केवल लिक्विड फॉर्म ही द्रव होते हैं, जबकि ठोस, द्रव, गैस जो होती हैं, तीनों अवस्थाएं द्रव्य में आती हैं, जबकि द्रव में केवल द्रव अवस्था ही आती है। इसलिए ध्यान रखिएगा, यह द्रव्यवाचक संज्ञा है, द्रववाचक संज्ञा नहीं है। तो द्रव्यवाचक संज्ञाएं जो होती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञाओं में क्या होते हैं? द्रव्य आते हैं, यानी जो माप तौल की वस्तु होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें अगर मान लीजिए कि हमने पानी लिखा, तो पानी क्या हो गया? द्रववाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा है। हमने पनीर लिखा तो क्या हो गया? द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। हमने तेल लिखा तो क्या हो गया? द्रव्यवाचक संज्ञा। हमने दूध लिखा, द्रव्यवाचक संज्ञा। हमने दही लिखा, द्रव्यवाचक संज्ञा। हमने चांदी लिखा, द्रव्यवाचक संज्ञा। हमने सोना लिखा, द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी जो माप तौल की वस्तुएं होंगी, वो सभी क्या होंगी? द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहलाएंगी। तो यानी द्रव्यवाचक में आप समझ गए होंगे कि द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी होंगी, ठीक है। इसके अलावा, द्रव्यवाचक के अलावा क्या होती है? पांचवा कौन सी होगी? समूहवाचक। कौन सा होगा? समूहवाचक संज्ञा। नाम है क्या? समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञाएं समूह में रहेंगी, लेकिन जो लिखा जाएगा वह एक वचन में लिखा जाएगा। ध्यान रखिएगा, वह बहुवचन में नहीं लिखा जाता है। अर्थ जो है वह बहुवचन का देंगी, लेकिन लिखा किस में जाएगा? एक वचन में लिखा जाएगा। समूह जो भी शब्द हम लिखेंगे वह एक वचन में लिखेंगे, लेकिन अर्थ क्या देंगी? वह बहुवचन का देंगी। यानी शब्द हम एक वचन में ही लिखेंगे। अगर मान लीजिए कि हमने कोई शब्द लिखा और इस शब्द में ऐसा शब्द लिखा जाए जिससे समूह का बोध होता है, उसे हम क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। अगर हमने मान लीजिए कि यहां पर लिखा भीड़ लिखा, हमने क्या लिखा? भीड़ लिखा। तो भीड़ जो हम कह रहे हैं है तो एक वचन, लेकिन जो अर्थ निकल रहा है वह एक का नहीं निकल रहा। ऐसा लग रहा है कि भीड़ एक लोगों का नहीं होगा, अनेक लोगों का होगा। तो भीड़ क्या हो गया? समूहवाचक। नाम लेते ही अनेक का बोध होता है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और वह एक वचन में, उसकी प्रस्तुतिकरण हो एक वचन में, वह लिखा जाता हो। हमने क्या लिखा? सभा लिखा। अगर मान लीजिए सभा लिख देते हैं, आप टोली लिख देते हैं, आप मेला लिख देते हैं, आप जत्था लिख देते हैं, आप काफिला लिख देते हैं, ठीक है। यानी जो आप शब्द लिखिए वह क्या है? यह लग रहा है कि है एक वचन का, लेकिन यह लग रहा है कि अगर हम सभा लिखते हैं तो एक व्यक्ति की सभा नहीं हो सकती है, इस समूह का बोध करता है। काफिला एक का नहीं होगा, भीड़ एक लोगों की नहीं होगी, मेला एक लोगों का नहीं होगा। यानी यहां पर जो समूहवाचक संज्ञाएं होती हैं उनसे समूह का बोध होता है, समूह के बारे में जानकारी होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी ये हमारी क्या हो गई? पांच प्रकार की संज्ञाएं हो गई। व्यक्तिवाचक नाम जान गए, एक का बोध होता है व्यक्तिवाचक, और व्यक्तिवाचक संज्ञाएं प्रायः ये भी बहुवचन में नहीं आती हैं। जातिवाचक जो संज्ञाएं होती हैं, जातिवाचक संज्ञाओं से जाति का बोध होता है। अगर मान लीजिए कि जातिवाचक संज्ञाओं में हमने ये लिख दिया, जातिवाचक में यहां पर जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा में यहां पर अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया नेहरू लिख दिया, ये भी क्या है? जातिवाचक। पटेल लिख दिया, ये भी क्या है? जातिवाचक। गांधी लिख दिया, जातिवाचक। तिवारी लिख दिया, जातिवाचक। वर्मा लिख दिया, जातिवाचक। जो भी आप लिख दीजिए, सिंह लिख दिए, जातिवाचक। जो आप लिख दीजिए, ये सभी क्या होंगे? जातिवाचक होंगे।
तो यहां पर क्या है कि जिससे जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे, जातिवाचक कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक एक का बोध हो, जातिवाचक में जाति का बोध होता है, भाववाचक में भावनाओं का व्यक्तिकरण महसूसीकरण की प्रक्रिया होती है, द्रव्यवाचक में मापतौल की वस्तुएं आती हैं, और समूहवाचक में शब्द एक रहेगा लेकिन इसका अर्थ क्या होगा, समूह में प्रदर्शित होगा, इसलिए इसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यहां से एक क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन को बदल दिया जाता है, और ऐसा भी पूछ लिया जा सकता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जातिवाचक में, जातिवाचक संज्ञाएं व्यक्तिवाचक में होंगी। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि नेहरू, नेहरू अगर लिखा गया है भारत के, नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री थे ऐसा क्वेश्चन लिखा गया है और यहां पूछा गया कि नेहरू में कौन सी संज्ञा होगी, ऐसा पूछ दिया गया, ठीक है, नेहरू में कौन सी संज्ञा होगी, अब आपको बताना है कि नेहरू में कौन सी संज्ञा होगी। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहे हैं अगर मान लीजिए कि ऐसा लिखा गया है, गोस्वामी जी, अगर मान लीजिए ऐसे लिखा गया, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की, रामचरित मानस की रचना की, रचना की, अगर ऐसा लिखा गया और पूछा गया है गोस्वामी में कौन सी संज्ञा है। तीसरा क्वेश्चन अगर मान लीजिए कि लिखा गया है ऐसा, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि विभीषण को लेकर के हर घर में, हर घर में विभीषण छुपे हुए हैं, हर घर में विभीषण, हर घर में विभीषण छिपे हुए हैं, छिपे हुए हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है और यहां पर पूछा है विभीषण में कौन सी संज्ञा होगी, ऐसा पूछ लिया गया है। तो आपको यह बताना है कि अब यहां पर क्या होगा, कौन सी संज्ञा होगी। इसी प्रकार से जयचंद का भी पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, आज देश में जयचंदों की कमी नहीं है, ऐसा। तो जयचंदो मतलब होता है धोखेबाज, जयचंद ने धोखा किया था, इस संदर्भ में पूछा गया है। अब यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन, नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, तो नेहरू क्या है, जाति है, नेहरू क्या है, जाति है, लेकिन यहां पर किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, यानी पहला प्रधानमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं, इसलिए नेहरू भले ही जातिवाचक है लेकिन यह किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, ठीक है, यह क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, तो रामचरितमानस की रचना किसने किया है, गोस्वामी जी ने किया है, यानी गोस्वामी तुलसीदास ने किया, और तो कोई किया नहीं है, तो भले ही गोस्वामी क्या है, जाति है, ये जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहां पर जाति का प्रतिनिधित्व तो नहीं हो रहा है, बल्कि यहां पर किसका प्रतिनिधित्व तो हो रहा है, यहां पर व्यक्ति का प्रतिनिधित्व तो हो रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। हर घर में विभीषण छुपे हुए हैं, विभीषण एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, नाम है विभीषण, लेकिन विभीषण हर घर में, विभीषण का मतलब हुआ धोखेबाज, धोखा देने वाला, ऐसा कहा गया है, इसलिए ये जो है विभीषण यहां व्यक्तिवाचक होते हुए भी यहां पर कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है।
तो आपसे कोई क्वेश्चन किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। तो यानी ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो जब एक ही शब्द वाक्य के अंतर्गत प्रयोग कर दिए जाते हैं तो उसके अर्थ क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक आध दो बार ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए इस प्रकार से प्रश्नों पर भी डिस्कशन करना चाहिए और आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यहां पर ये आशा ये करेंगे, आशा ये करते हैं कि आपसे कि आपको ये बातें संज्ञा का जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से आसानी से समझ में आ गई होगी। तो अब जो है हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे, उसके लिए अगली वीडियो में हम बात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।